ब्रिलियंट बैटिंग भाई, ब्रिलियंट बैटिंग, वाव वटा खिल जोई बैटिंग भाई, जबरदस्त ब्रिलियंट बैटिंग भाई। 272 ओए होए 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 272 मार मार के ऐसा बुरा हाल किया कि बस पूछिए मत। नारायण भजना बीस्ट मोड में था, बीस्ट मोड में, और उसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिल्ली कैपिटल के बॉलर्स की दुर्गत बनाई है। मैंने जिंदगी में ना पहली दफा आईपीएल देखना शुरू किया और यकीन ना माने मेरा पीएसएल से दिल उठ गया। ऐसा बात कुछ ऐसी है कि मैं किसकी तारीफ करूं, मैं ईशांत शर्मा की तारीफ करूं जिसने शानदार किस्म का लास्ट ओवर किया, या मैं रिंकू सिंह की तारीफ करूं जिसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी एंड के ऊपर की, 8 बॉलों पे 26 मारा, या मैं आंड्रे रसल की तारीफ करूं जिसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, या मैं तारीफ करूं सुनील नारायण की जिसने 85 रन की 39 बॉल्स के ऊपर जो इनिंग्स खेली, या मैं तारीफ करूं 19 साल के बल्कि 18 साल के लड़के की, अंडर 19 से ये लड़का है, रघुवंशी इसका नाम है, जिसने 27 बॉलों के ऊपर 54 मारा, शानदार किस्म की इसने बल्लेबाजी की। और जब देखें 6 ओवरों में 88, मतलब उसके बाद भी आप रुक के देखा ही नहीं, दे मार तो 4.5। नारायण वी अंडरस्टैंड, लेकिन रघुवंशी बच्चा जैसा खेला, कमाल खेला भाई। It's not easy to come straight away in such a tournament and to play innings like this. He was amazing. उसने भी 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा है। कता जीत गया, लेकिन भाई इस बार जो मैं ये अगर परफॉर्मेंस के ऊपर मैच देखा जाए ना तो यार ये मेरी तरफ से ना मतलब के आप लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स पे प्लेयर्स आए जा रहे हैं। जी हाँ, आईपीएल के अंदर प्लेयर्स पे प्लेयर्स आए जा रहे हैं, बैक टू बैक प्लेयर्स आ रहे हैं, आपके सामने ही है ना। हर मैच में कोई ना कोई एक नया लड़का आपको नजर आ जाता है। अब इस मैच की मैं बात करूं, आपके सामने रघुवंशी लड़का है, इससे पहले तो हमें नहीं पता था ना। आप ये देखो कि एक लड़के को 1 डाउन के ऊपर भेजा गया है। यार गौतम गंभीर की भी तारीफ बनेगी इस चीज के अंदर, इस सिनेरियो में गौतम गंभीर की भी तारीफ बनेगी। गौतम गंभीर की तारीफ इसलिए बनेगी क्योंकि गौतम गंभीर ने वेंकटेश अय्यर को रोक के, रमनदीप को रोक के एक रघुवंशी यंग लड़के को ऊपर भेजा जिसने शानदार बल्लेबाजी की। सुनील नारायण ने 85 मारा, हमें पता है सुनील नारायण बल्लेबाजी करना जानता है, वो हिट करता है, जब वो मारता है बड़ा शानदार मारता है। सुनील नारायण ने बल्लेबाजी की, बड़ा मजा आया, लेकिन जिस तरह से रघुवंशी ने बल्लेबाजी की ये उम्मीद नहीं थी। देखिए ऊपर से आपने बिल्कुल सही कहा, नारायण तो जिस मूड में था ही था, 20 मूड में था या नहीं था, लेकिन ये रघुवंशी 18 साल का बच्चा, अंडर 19 का प्लेयर, जिस तरह इसने धोया, मतलब क्या ईशांत शर्मा, क्या नोकिया, क्या खलील, तो क्या वो सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम, जो आ रहा भाईजान उसकी रगड़ लग रही है, जो आ रहा उसको जनाब डबल ट्रिपल। या ऑस्ट्रेलियन देखे जो राइट्स पे है, इंडिया में इंडिया वालों से पैसे लेके मुफ्ता करने आते हैं। 3 ओवरों में 37 रन मिचेल मार्श, वो नोकिया साहब देखे 4 ओवरों में 59 रन, 1 ओवर में 25, और वो रिंकू अभी आया था, अगर रिंकू ने 10-12 वाले खेली होती तो सोचे 35-36 ठोक देता रिंकू, 25 तो उसने ठोक ही दिया। ये रिकॉर्ड 19 ओवरों में 270 का टूट जाता। हैड मिस्टर सुरेश अय्यर द सुपरमैन विद द कॉलर्स, अगर वो ना आते अभी तो लोग देखेंगे यार 11 बालों में 18 ही तो है, क्या करे वो, और भाईजन 11 बालों में 30 बनाता अगर रिंकू सिंह होता। देखे 8 बालों में उसने 26 और 8वीं में आउट हो गया। काम ही थी कि यार ये लोग अब क्या करेंगे, अगली बॉल पे क्या होगा। जनरली ये मैच होता है देखने वाला, असल मैच इसको कहते हैं जो नेल बाइटिंग मैच होता है, कि क्या पता अगले मैच में क्या हो, अगली बॉल में क्या होगा। यार जो वक्त बदला था ना, मैं यकीन ना माने, मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि यार जीत जाएगी। 27 गेंदों पे 54 करके गया, 3 छक्के 5 चौके और स्विच हिट मार रहा है, क्या मतलब कमाल कमाल की शॉट्स खेल रहा है। ही वाज अमेजिंग टू, रघुवंशी साथ में नारायण, फिर उसके बाद एक के बाद एक। अभी तो ये जनाब कैप्टन साहब अगर अपनी बजाय वेंकटेश अय्यर को भेजते हैं यहाँ पे, उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, तेज तरह। हेलो दोस्तों, आज जो केकेआर ने बैटिंग की है, पीएसएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना डाला है। खास तौर पे सुनील नारायण ने 85 बनाए, 39th बॉल का सामना किया, 7 शानदार छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, क्या ही इनिंग खेली आज सुनील नारायण ने। केकेआर की बैटिंग देखकर ये लग रहा था कि जैसे हाईलाइट देख रहे हो, लाइव मैच नहीं है, हाईलाइट चल रही है। वेल प्लेड केकेआर। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।